अक्षय कुमार और भूमि पडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं। ये फिल्म पीएम मोदी के स्वच्छ अभियान पर आधारित है। ये फिल्म देश के सबसे अहम मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने 6 दिन में लगभग 91.45 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं बात करें 7वें दिन की, तो इस फिल्म ने 7वें दिन लगभग 7 करोड़ की कमाई की है। यानी फिल्म ने अब तक लगभग 98.45 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का ओवरऑल बजट 40 करोड़ है। बता दें कि टॉयलेट एक प्रेम कथा को 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म ने 7 दिनों में जबरदस्त कमाई कर ये साबित कर दिया है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में और भी अच्छा बिजनेस कर सकती है। इस फिल्म से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर विषय अच्छा हो तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा आने वाले दिनों में क्या धमाल करती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।